हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाले मैथ्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री देखिए अभी एग्जाम को बहुत कम दिन रह गए और स्पेशली मैथ्स की बात करूँ तो लास्ट टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्मुला रिवाइज करने चाहिए ताकि हम एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन कर पाए ज्यादा टाइम ना लगे सोचने में तो वही मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ लगभग सात से आठ मिनट की वीडियो होगी इसके अंदर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री होगी जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुला बनते हैं वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा आपको हेल्प करेगा और कमेंट्स में बताएगा कि आपको कैसा लगा और एक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ जो लोग मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आईसीसी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मैथ्स की बुक है गॉड फादर न्यून क्लासेस की तरफ से इसके अंदर मैथ्स का कम्प्लीट सिलेबस करवा रखा है टॉपिक वाइज सारी चीजें बता रखी है और डिटेल में एनालिसिस करवा रखा है ये इंडेक्स है जिसके अंदर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है ये देखिए सारे टॉपिक्स दे रखे इसमें नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज मिक्सचर एलिगेशन इस सारे टॉपिक करवा रखे और पूरा डिटेल में समझा रखा और शॉर्ट तरीके से भी बता रखा कि कैसे हम शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए परसेंटेज है परसेंटेज में सबसे पहले आगे छोड़ दे रखी है फिर सारे कंसेप्ट बता रखे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ये देखिए एग्जांपल के साथ क्वेश्चन फिर क्वेश्चन के साथ उनके सोल्यूशन सारे दे रखे साइन टू टीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस्टा और अगर हमें टेन के फॉर्म में पूछे तो वो होगा हमारा टू टेट अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा फिर नेक्स्ट आता है टेन टू टीटा का फॉर्मूला वो होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वही अगर हमें कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पूछे तो वो होगा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नेक्स्ट होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर नेक्स्ट होगा टू कॉस्वर थीटा माइनस वन और टेन के फॉर्म में क्या होगा वन माइनस टेन थीटा ठीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर जब कभी भी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में पूछे तो माइनस ऊपर रहेगा हमेशा और अपॉन में प्लस रहेगा वन माइनस टेन स्क्वायर अपन वन प्लस टेन स्क्वायर नेक्स्ट आता है हमारा साइन सी का फॉर्मूला ये क्या होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री थीटा और टेन सी का फॉर्मूला होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा नेक्स्ट आता है साइन एक्स बराबर कॉस ऐसा दे रखा हो तो हमेशा एक्स प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा वैसे ही टेन एक्स बराबर कॉट वाई दे रखा हो तो एक्स प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा सेम कॉसेक एक्स बराबर सेक वाई दे रखा हो तो भी एक्स प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है साइन एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल टू कॉस फिफ्टी अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू पूछिए तो हमें पता है कि साइन एक्स बराबर कॉस वाई ऐसे दे रखा हो तो एक्स प्लस वाई का मान हमेशा नाइन्टी डिग्री होता है तो हम इन सबको एड कर देंगे और बराबर में नाइन्टी डिग्री लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस फिफ्टी टू नाइन्टी तो एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी डिग्री फिर नेक्स्ट आता है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फिर आता है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फिर आता है कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फिर आता है कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी देखो कॉस वाले में हमें क्या ध्यान देना है जब कभी भी कॉस ए प्लस बी का मान पूछे तो फॉर्मूला में हमेशा बीच में माइनस आएगा वैसे ही जब हमें कॉस ए माइनस बी का मान पूछे तो फॉर्मूला में बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा नेक्स्ट आता है टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन ए टेन बी फिर आता टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी अपन वन प्लस टेन ए टेन बी फिर आता है कॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए फिर आता है नेक्स्ट कॉट ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉर्ट बी माइनस कॉट ए अब देखो कॉर्ट ए माइनस बी वाले में ध्यान देने की जरूरत है इसमें अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए होता है हम फटाफट में क्या करते हैं कॉर्ट ए माइनस बी लिख देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है तो हमेशा ध्यान दे कि अपॉन में पहले कॉट बी आएगा फिर माइनस में कॉट ए आएगा अब नेक्स्ट आता है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन टू फिर आता है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू फिर आता है cos c cos D, हम दो तरीके से लिख सकते हैं या तो माइनस बाहर लेकर माइनस बाहर लेंगे तो हमारा फॉर्मुला क्या होगा माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू वही अगर माइनस हम अंदर रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा डी को आगे लेके आने पड़ेगा और फिर सी लिखना पड़ेगा तो इसका आंसर क्या होगा टू साइंस सी प्लस डी अपॉइन टू साइन डी माइनस सी अपॉन टू नेक्स्ट आता है साइन थीटा साइन सिक्सटी माइनस थीटा और साइन सिक्सटी प्लस थीटा ऐसे हमें दे रखा हो तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा एक बटा चार साइन थ्री थीटा फिर नेक्स्ट आता है कॉस थीटा कॉस सिक्सटी माइनस छीटा कॉस सिक्स प्लस छीटा ये दे रखा हो तो हमारा आंसर क्या होगा एक बटा चार कॉस थ्री वही अगर टेन के फॉर्म में दे रखा हो टेन थीटा टेन सिक्सटी माइनस थीटा और टेन सिक्सटी प्लस थीटा तो हमारा आंसर क्या होगा टेन थ्री थी थीटा इसमें एक बटा चार नहीं लगेगा क्योंकि हम हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है साइन अप तो एक बेटा चार से एक बटा चार कट जाएगा तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आएगा टेन थ्री थीटा नेक्स्ट आता है अब इसको देखो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रखा है तो साइन ट्वेंटी साइन फोर्टी और साइन एट्टी तो अब देखो सबसे पहले साइन ट्वेंटी दे रखा है हमें और नेक्स्ट ने हमने क्या कहा था साइन सिक्सटी माइनस छीटा होगा तो सिक्सटी में से ट्वेंटी माइनस करेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा फोर्टी डिग्री तो सही है साइन फोर्टी डिग्री फिर नेक्स्ट क्या लिखा था हमने साइन सिक्सटी प्लस छीटा लिखा था तो सिक्सटी में जब हम ट्वेंटी एट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा एट्टी डिग्री हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख रखा होगा हमें खुद को समझना होगा कि ये क्वेश्चन वही वाला है कि नहीं जो कि किस फॉर्म में है साइन साइन सिक्सटी माइनस चीटा और साइन सिक्सटी प्लस चीट के फॉर्म में तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा

1 41. अब यहाँ पर देखिए कॉर्ट फोर और कॉट फोर्टी वन का टोटल योग कितना होगा फोर्टी फाइव डिग्री पता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वही अगर कॉट के फॉर्म में दे रखा हो तो ए प्लस कॉट बी प्लस टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं टेन थर्टी फाइव मल्टीप्लाई टेन थर्टी फाइव प्लस टेन थर्टी फाइव मल्टीप्लाई टेन ट्वेंटी प्लस टेन ट्वेंटी मल्टीप्लाई टेन थर्टी फाइव अब देखिए यहाँ पे ए का मान थर्टी फाइव बी का मान भी थर्टी फाइव और सी का मान है ट्वेंटी तो इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है नाइन्टी डिग्री यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू नाइनटी है टेन तो का हमने क्या रूल पढ़ा था कि टेन है टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन है तो, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा वन देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक दे रखा हो या फिर ए प्लस बीवल टू वन एटी माइनस सी दे रखा हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस टू वन होगा और वही टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल्स टू टेन ए टेन बी टेन सी होगा तो अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में है तो हमें दिख रहा है कि cot ए का मान फोर्टी है और बी का मान सेवेंटी है और सी का मान भी 70 है और इसका एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कॉट फोर्टी कॉट सेवेंटी प्लस कॉट सेवेंटी कॉट सेवेंटी प्लस कॉट सेवेंटी कॉट फोर्टी अब देखिए इसमें क्या होगा यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया वन एट्टी हो गया तो इसमें वही कंडीशन लग जाएगी जो भी हमने रूल पढ़ा तो हमारा आंसर क्या होगा डायरेक्ट वन